ये जो हमारी वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिस से कॉम्प्रिहेंशन करेंगे, ताकि आप लोगों के जो कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कॉन्सेप्ट्स और कन्फ्यूजन्स हैं वो थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो जाए. दिस इज द सेकेंड कॉम्प्रिहेंशन दैट वी आर गोइंग टू डू. सो लेट्स सी. मुझे अगेन ये याद नहीं पड़ता कि ये किस पेपर का है. फॉर सम रीजन कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम पेपर्स मैंने मेंशन नहीं किए हुए, बट अगेन दिस इज फ्रॉम योर पास्ट पेपर्स. सो यू कैन ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ के कहीं और से मैंने उठा के कॉम्प्रिहेंशन नहीं दी. ठीक है, तो आप ही के अपने एग्जाम पेपर्स है जिनसे मैं प्रैक्टिस करवाना चाहूंगी. अच्छा जी, इसको पढ़ना शुरू करते हैं. एंड आई होप यू डोंट मेक और यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स जो अभी तक आप कॉम्प्रिहेंशन में करते आ रहे हैं. बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि कॉम्प्रिहेंशन में आपको आराम से नंबर मिल जाते हैं. तीन तीन में से चार भी मिले हुए हैं. सो यू कैन गेट गुड मार्क्स इन कॉम्प्रिहेंशंस एज लॉन्ग एज यू स्टे रेलिवेंट एंड कंसाइज. और आप सारे मटेरियल पॉइंट्स आप कवर कर रहे हो या नहीं कर रहे, इस पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो प्लीज मेक श्योर कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन, जो हम लोग बचपन से एक आदत बनी हुई है, करते आ रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं जब से बड़े हुए हैं, तो आप इतनी मुश्किल चीज नहीं है, कि इम्पॉसिबल चीज नहीं है कि आपको स्टार्ट से समझाया जाए कि भाई ये गलती है आपकी या इतना मेजर ब्लंडर आप वैसे भी नहीं करोगे. सो यू ऑलरेडी हैव अ बेस फॉर कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज ऑफ योर आपकी स्टडी लाइफ के थ्रू. बस आपने करना ये कि उसके ऊपर बिल्डअप करना है और अपने आंसर्स को कंसाइज रखना है. ठीक है, अच्छा जी, पढ़ना शुरू करते हैं. एजुकेशन ऑट टू टीच अस हाउ टू बी इन लव ऑलवेज एंड वॉट टू बी इन लव विद. द ग्रेट थिंग्स ऑफ हिस्ट्री हैव बीन डन बाय ग्रेट लवर्स, सेंट्स, मैन ऑफ साइंस एंड आर्टिस्ट. एंड द प्रॉब्लम ऑफ सिविलाइजेशन इज टू गिव एवरी मैन अ चांस ऑफ बींग अ सेंट, अ मैन ऑफ साइंस और एन आर्टिस्ट. ठीक है, अभी तक मुझे तो कुछ समझ नहीं आया क्या हो रहा है. ठीक है, तो इसलिए मैं आगे चलूंगी. आई एम गोइंग टू वेरी फ्रेंकली टेल यू कि भाई अब तो मैं आगे चल रही हूँ. सो इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट विद मी, इट्स कम्प्लीटली ओके. इट इज कम्प्लीटली ओके टू नॉट अंडरस्टैंड द पैसेज वेन यू फर्स्ट रीड इट. हो सकता है आपको सेकेंड या थर्ड रीडिंग चाहिए हो, दिस इज वेरी नॉर्मल. ठीक हो गया. अच्छा, बट दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड अनलेस मेन डिजायर टू बी सेंट्स, मैन ऑफ साइंस एंड आर्टिस्ट. एंड इफ दे आर टू डिजायर दैट कंटिन्यूअसली दे मस्ट बी टॉट वट इट मीन्स टू बी दीज थिंग्स. चलो कुछ समझ आ रहा है कि उनको समझाना जरूरी है कि भी यू योर प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी सॉल्व अंटिल यू बिकम सेंट्स एंड मैन ऑफ साइंस एंड आर्टिस्ट. लेकिन इसको बनने के लिए यू नीड टू बी टॉट वॉट टू हैव. ठीक है, वॉट एग्जैक्टली टू हैव टू बिकम दीज थिंग्स. वी थिंक ऑफ द मैन ऑफ साइंस और द आर्टिस्ट इफ नॉट ऑफ द सेंट एज अ बींग विद पेक्यूलियर गिफ्ट्स हु एक्सरसाइजेस मोर प्रिसाइसली एंड इनसेसेंटली परहैप्स एक्टिविटीज विच वी ऑल ऑट टू एक्सरसाइज. अच्छा, इट इज अ कॉमन प्लेस बिलीव दैट आर्ट हैज एब्ड अवे आउट ऑफ आवर ऑर्डिनरी लाइफ. चलो अब समझ आ रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता इस बात के ऊपर आ रहा है कि आर्ट जो है हमारी जिंदगी से निकलता जा रहा है. आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी यूज, जितनी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं और हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं, दे नो लॉन्गर रिकग्नाइज एस्थेटिक एक्टिविटी एज एन एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट इन कॉमन टू ऑल मैन. अगर तो मैं इसका ब्रेक डाउन करूं तो शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एस्थेटिक ब्यूटी को हम बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं अपनी जिंदगी में. इन ऑल द थिंग्स दैट वी डू वी प्रैक्टिस वी सी एवरीथिंग बेसिकली. ठीक हो गया. हमें ये नहीं, वी डू नॉट नो दैट व्हेन अ मैन मेक्स एनीथिंग ही ऑट टू मेक इट ब्यूटिफुल फॉर द सेक ऑफ डूइंग सो, एंड दैट व्हेन अ मैन बाइज एनीथिंग ही ऑट टू डिमांड ब्यूटी इन इट फॉर द सेक ऑफ दैट ब्यूटी इन इट. We think of beauty as we think of it at all, as a mere source of pleasure, and therefore it means to us as an ornament added to things for which we can pay extra as we choose. Okay, so basically what he's trying to say is that beauty is just not an extra thing that you can purchase with your money. It's basically not an added thing. It should never be an added thing. वो कहते हैं कि हम जब खरीदते हैं तो basically हम इसको एक ornament की तरह पे खरीदते हैं कि चलो aesthetic beauty increase हो जाएगी. खरीद लो, you can afford something and then you can put it to increase its beauty. इट्स नॉट अ मेयर सोर्स ऑफ प्लेजर. सिर्फ प्लेजर के लिए हम लोग सोचते हैं ब्यूटी को, हम सिर्फ प्लेजर के लिए उसको समझना चाहते हैं या उसको खरीदना चाहते हैं. ठीक है, और एक एक्स्ट्रा सी चीज है. बट नीटली इज नॉट एन ऑर्नमेंट टू लाइफ और द थिंग्स मेड बाय मैन. इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बोथ. द एस्थेटिक एक्टिविटी व्हेन इट रिवील्स इटसेल्फ इन थिंग्स मेड बाय मैन रिवील्स इटसेल्फ इन डिजाइन जस्ट एज इट रिवील्स इटसेल्फ इन द डिजाइन ऑफ ऑल नेचुरल थिंग्स. ठीक है, इट शेप्स ऑब्जेक्ट्स एज द मॉरल एक्टिविटी शेप्स एक्शंस. अब वो बता रहा है कि एस्थेटिक ब्यूटी का प्लेजर के अलावा और क्या काम है. ठीक है, वो शेप करते हैं ऑब्जेक्ट्स को एज द मॉरल एक्टिविटी शेप्स एक्शंस. मोरलिटी या मॉरल एक्शंस आपके शेप होते हैं, वो उस तरह से शेप करते हैं ऑब्जेक्ट्स को. ठीक है,
उसके बाद वो रिवील करता है अपने आप को इन द डिजाइन ऑफ अ लॉट ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिस तरह से ऑफ ऑल द नेचुरल थिंग्स, जिस तरह से चीजें बनी है उसमें से रिवील होती है आपकी ब्यूटी, एंड वी ऑट टू रिकग्नाइज इट इन ऑब्जेक्ट्स एंड वैल्यू इट. तो हमें इसको उसी तरीके से रिकग्नाइज करना चाहिए जिस तरह से हम वैल्यू करते हैं मॉरल एक्टिविटी को एक्शंस में, एंड एज एक्शंस एम्प्टी ऑफ द मॉरल एक्टिविटी एट स्टेज, और जिस तरीके से वो एक्शंस जिनमें मॉरल एलिमेंट नहीं रहता, जिनमें मॉरल एक्टिविटी नहीं रहती, वो हमारे लिए डिस्टेस्टफुल हो जाते हैं, वो हमें बुरे लगने लगते हैं वो एक्शंस. इसी तरह ऑब्जेक्ट्स जिनमें एस्थेटिक एक्टिविटी नहीं है, जिसमें एस्थेटिक एलिमेंट नहीं है, वो हमें बुरा लगना चाहिए, लेकिन मोस्ट ऑफ अस ये नहीं करते. दिस इज नॉट विद मोस्ट ऑफ अस. दिस पैसेज इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग आई हैव टू एडमिट, क्योंकि उसका जो एसेंस है वो थोड़ा सा बाद में आता है, वो बिल्डअप कर रहा है, ऐसे से बिल्डअप करने के बाद फिर वो आके बताता है कि इट इज अ कॉमन प्लेस बिलीफ कि जी आर्ट इस तरीके से इस्तेमाल होता है. वो एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ आर्ट के बारे में बात करे कि किस तरीके से जरूरी है. ये थोड़ा सा लिटररी टच आ रहा है, इसीलिए शायद आपको मुश्किल लगे. सो विच इज वाई इफ यू नीड इट टू रीड इट अगैन, इफ यू वॉन्ट टू रीड इट अगैन इन ऑर्डर टू बेसिकली इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज, तो प्लीज डू इट. इंस्टेड ऑफ आंसरिंग रॉन्ग क्वेश्चन, इंस्टेड ऑफ कि भाई इधर उधर से उठा के मैं लव्स लिख दूंगी, रीड इट अगेन, ठीक है. अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे. एज वी डू नॉट वैल्यू द एस्थेटिक एक्टिविटी इन आवरसेल्व्स, सो वी डू नॉट वैल्यू इट, ठीक है. वी डू नॉट, जिस तरह हम अपने अंदर एस्थेटिक एक्टिविटी को नहीं रिकग्नाइज करते, हम जब रिकग्नाइज ही नहीं करते तो हम उसको वैल्यू कैसे करेंगे. डू नॉट रिकग्नाइज द लैक ऑफ इट इन द वर्क ऑफ अदर्स, हम लोग जिस तरह अपने अंदर नहीं करते, इस तरह लोगों के कामों के अंदर भी हम एस्थेटिक ब्यूटी को नहीं रिकग्नाइज कर सकते. लेकिन जो आर्टिस्ट है वो फर्क है. द आर्टिस्ट ऑफ वट एवर काइंड इज अ मैन सो मच अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स दैट ही मस्ट इम्पार्ट द सेम ब्यूटी टू वट एवर ही मेक्स. क्योंकि आर्टिस्ट खुद परसीव कर सकता है, क्योंकि आप खुद देख, वो आर्टिस्ट खुद देख सकता है ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, द एस्थेटिक, एस्थेटिकली प्लीजिंग या जो ब्यूटी होती है हर चीज के अंदर वो देख सकता है. इसीलिए उसका दिल करता है कि वो सेम सिमिलर ब्यूटी इम्पार्ट भी कर सके, अपने जो जो चीजें वो बना रहे हैं वो उसमें इम्पार्ट करे. अब यही वो पैसेज शुरू में कह रहा था, अब इस लाइन के शुरू में, कि कॉमन मैन ये नहीं करता, क्योंकि आप अपने अंदर भी नहीं देखते ना किसी और चीज के अंदर देखते हो, तो फिर कैसे देखोगे आप रिकग्नाइज या वैल्यू ब्यूटी को किस तरीके से कर सकते हो. अब आर्टिस्ट की आगे बात हो रही है, ही हैज एक्सरसाइज्ड हिज एस्थेटिक एक्टिविटी इन द डिस्कवरी ऑफ ब्यूटी इन द यूनिवर्स बिफोर ही एक्सरसाइजेस इट इन इम्पॉर्टिंग ब्यूटी टू दैट विच ही मेक्स. तो पहले वो जब तक रिकग्नाइज, पहले वो यूनिवर्स के अंदर रिकग्नाइज करता है ब्यूटी, उसके बाद वो इम्पार्ट करना शुरू करता है इनटू एवरीथिंग दैट ही मेक्स. दैट इज व्हाई ही इज एन आर्टिस्ट, ठीक है. ही हैज सीन थिंग्स इन दैट रिलेशन विच इज ब्यूटी बिफोर ही कैन हिमसेल्फ प्रोड्यूस दैट रिलेशन इन हिज ओन वर्क विच एवर इट मे बी सेम. एंड जस्ट एज ही सीज दैट रिलेशन फॉर इट्स ओन सेक, सो ही प्रोड्यूसेज इट फॉर इट्स ओन सेक एंड सेटिस्फाइज द डिजायर्स स्पिरिट इन डूइंग सो. अब वो कहते हैं वो अपने his own, अपने सेख के लिए, अपने लिए वो चीजों में ब्यूटी ऐड करता है इन वट एवर ही मेक्स, ठीक है. अपनी स्पिरिट की डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए वो करता है, ठीक है. दिस इज वट इज रिक्वायर्ड ऑफ कॉमन मैन एंड देन वी शुड वैल्यू हिज वर्क. वी शुड डिजायर दैट रिलेशन इन ऑल द थिंग्स मेड बाय मैन इफ यू टू हैव द हैबिट ऑफ सींग दैट रिलेशन इन द यूनिवर्स. कि अगर हम भी, हमारे अंदर भी ये हैबिट होती है ऑफ सींग पर्टिकुलर ब्यूटी इन एवरी थिंग इन द यूनिवर्स, देन वी वुड ऑल्सो इम्पॉर्ट इट इन अवर वर्क. If we cannot do the same work as an artist, but at least हम लोग फिर appreciate उस तरीके से कर सकते हैं उस artist की खूबसूरती को, उस artist की काम की खूबसूरती को, लेकिन हम नहीं कर पाते. तो ये बात कर रहा है कि जिस तरह से artist recognize करता है all the beauty in the universe and then he imparts it or inculcates that into his own work, we might be able to do the same if we could appreciate the beauty in the universe and then we could simultaneously appreciate the beauty made or done in the work of the artist. Acha, and if we knew that, we would see it. We are exercising an activity of the spirit and satisfying a spiritual desire. ठीक है, spiritual desire इसको satisfy करे. And we should know also that work without beauty means unsatisfied spiritual desire in the worker. जिस काम के अंदर खूबसूरती नहीं है, वो unsatisfied उसकी spiritual desire रह गई है. उसके it is a waste of life of the worker and a common evil and danger, like thought without truth or action without righteousness. जिस तरह सही काम, जो सही चीज होती है वो आप काम के अंदर में ना डालो, एक सही नियत या जो भी है वो, जिस तरह वो होती है इसी तरह से, या जिस तरह एक थॉट होती है विदाउट एक्चुअल ट्रूथ, इसी तरीके से आपकी जिंदगी एक वेस्ट होती है विदाउट इनकल्केटिंग ब्यूटी इन इट, ठीक है. सो दिस इज द इंटायर कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज. आई हैव ब्रोकन डाउन इनफ, आई होप मुझे और आपको आगे सवाल समझ आ सके.
अच्छा जी, पहला जवाब सवाल, व्हाट हैज बीन लेमेंटेड इन द टेक्स्ट। चलो जी, तो बहुत ही जनरल आइडिया उसने मांग लिया कि क्या लिखा हुआ है, आप काफी रीजन में लिख सकते हैं। सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड एन आर्टिस्ट, इसमें बताया था उसने। सेकंड पेज के बिल्कुल स्टार्ट में था, इसके ऊपर जाते हैं। हाउ कैन वी मेक आवर लाइव्स ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, व्हाट डज द राइटर एक्चुअली मीन व्हेन ही सेज ब्यूटी इज नॉट एन ऑर्नमेंट टू लाइफ। डू आर्ट एंड ब्यूटी इफेक्ट आउट प्रैक्टिकल लाइफ एंड मॉरल्स, जस्टिफाई व्हेदर यू अग्री ऑर डिसएग्री। आई थिंक इट दिस शुड बी आर्ट, बट मे बी यू कैन चेक इट इन द पेपर्स। पहला सवाल, व्हाट हैज बीन लेमेंटेड इन द टेक्स्ट। अच्छा, ऑथर क्या कहता है, ही लेमेंट्स द दैट एलिमेंट ऑफ ब्यूटी हैज बीन लिमिटेड ओनली टू द वर्क ऑफ आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट हु आर सपोज्ड टू पोजेस अ रेयर सेंस ऑफ अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। नोटिस हाउ जो ये जवाब है, कितना खूबसूरती से उसने पूरे के पूरे पैसेज को समराइज करके लिखती है कि जी इस टेक्स्ट में ये कह रहा है कि आर्टिस्ट आर सपोज्ड टू पोजेस अ रेयर सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, तो उनमें तो होती है और साइंटिस्ट भी, लेकिन वो लिमिट हो गई है सिर्फ आर्टिस्ट और साइंटिस्ट में भी। ऑर्डिनरी मैन के नॉट डू दैट, art has disappeared from the lives of ordinary people. It is unfortunate that common people and workmen are oblivious to the fact that aesthetics is an essential part of life of every man. wo kehte hain ki ab common man ko ye samajh hi nahi aa sakta, then this is the very sad thing ki how art should be incorporated in everything that he perceives or sees, and it is imperative. अच्छा, द फैक्ट दैट इज दैट एस्थेटिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट, फिर वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले आया है कि इट इज टू सेटिस्फाई योर स्पिरिचुअल डिजायर, और ये इट इज एस्थेटिक एक्टिविटी इज एक्टिविटी ऑफ द स्पिरिट। अच्छा जी, दूसरा सवाल क्या कहता है कि जी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी मैन एंड एन आर्टिस्ट। अच्छा जी, आर्टिस्ट जो है दे आर ग्रेट लवर्स ऑफ लाइफ एंड दे वैल्यू ब्यूटी एज प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। ठीक है, अब ये जो है आपका जवाब इधर ही आ जाता है कि द आर्टिस्ट इज अ मैन सो मच अवेयर ऑफ द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स दैट ही मस्ट इम्पार्ट द सेम ब्यूटी इन व्हाटएवर ही मेक्स। उसने एक्सरसाइज की हिज एस्थेटिक एक्टिविटी इन द डिस्कवरी ऑफ ब्यूटी इन द यूनिवर्स बिफोर ही एक्सरसाइजेस दैट द सेम इन इम्पार्टिंग दैट पर्टिकुलर ब्यूटी इन हिज वर्क। एन ऑर्डिनरी मैन कैन नॉट डू दैट। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स पोजेस दिस कैपेसिटी, बट द डिफरेंस इज दैट आर्टिस्ट यूज एबिलिटी विद ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन एंड कंसिस्टेंसी, फॉर द कॉमन मैन ब्यूटी इज जस्ट अ सप्लीमेंट्री फैक्टर। तो इसके बाद वो पीछे गया और उसने ये कहा है कि एक सप्लीमेंट्री फैक्टर है हमारे लिए, एक एक्स्ट्रा चीज है, इट इज एक्स्ट्रा एज वी चूज ब्यूटी। ठीक है, वी कैन पे फॉर इट बट नॉट फॉर द आर्टिस्ट, ही सीज ब्यूटी इन एवरीथिंग। अच्छा, तीसरा, हाउ कैन वी मेक आवर लाइव्स ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। वी कैन मेक आवर लाइव्स ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। By realizing the importance of aesthetic aspects of every activity in life, we must discover the principle of beauty in everything that we do. You can take out any three lines from the passage, and this is a very easy thing. Okay, we should value his work, we should desire that relation in all the things made by man, is tarah se karke. Theek hai? We should know that work without beauty means unsatisfied spiritual desire. Achha, is tarah se hum apni zindagi beautiful aur charming bana sakte hain. What does the writer actually mean when he says beauty is not an ornament to life? इसमें वो कहते हैं कि ब्यूटी एक सुपरफिशियल सी डेकोरेशन नहीं है, कि पहले पेज के बिल्कुल आखिरी चार पांच लाइनों में था, एक चॉइस है कि मे बी आखिरी पैराग्राफ में था, इट इज अ डिस्क्रेशनरी चॉइस। कि आप वो कहते हैं कि इट इज इंटेग्रल पार्ट ऑफ लाइफ, इसको इंटेग्रल पार्ट ऑफ एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ, टू नॉट मेक इट एन सप्लीमेंट्री थिंग, एक सप्लीमेंट्री फैक्टर नहीं बनाओ उसको। ठीक है, ही थिंक्स दैट रिलेशन बिटवीन लाइफ एंड ब्यूटी इज नॉट ऑप्शनल बट कंपल्सरी। ठीक हो गया, आखिरी, Do art and beauty affect practical life and morals? Justify whether you agree or disagree. इसका भी कोई particular सवाल जवाब नहीं है, because ये वो सवाल है जो आखिरी वो हमेशा से जानना चाहता है, about what the candidate has to think about, what the candidate perceives about the particular passage. तो वो आपकी thinking को judge करने के लिए वो पूछता है. Art and aesthetics deeply influence our lives. These are not just a source of sensuous pleasure. लेकिन हमें एक spiritual satisfaction भी देता है. Discovery of relationship in all things made by man or nature is a spiritual activity. Life without beauty will be spiritually barren. Such work will be dangerous and immoral. Again, this is just an answer by somebody who agreed with what the author said. But if you just want to stay safe, maybe agree with the author, but you can also disagree. There's always room for disagreeing with the passage. So, if you can write 2-3 points, then well and good. Okay? This is pretty much it with respect to a practice comprehension. I hope this was beneficial.